96 में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब चुनावी मैदान में 9 प्रत्याशी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से यहां पर अजय कुमार, समाजवादी पार्टी से कृति कोल, अपना दल एस व भाजपा गठबंधन से विधायक राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल चुनावी मैदान में हैं। विधायक रहे राहुल कोल के निधन हो जाने के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर 10 मई को वोटिंग की जानी है। इस वक्त हम कटाई गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। हम इनसे बात करके जानेंगे कि क्या उपचुनाव में मुद्दे रहेंगे, सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, और जो भी इनकी समस्याएँ हैं क्या ये कौन से मुद्दे पर वोट देंगे, हम इनसे बातचीत करके जानेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या रहेगा माहौल, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके जहन में वोट देने से पहले? मुद्दा यही बात सबसे ढेर तो छुट्टा पशु परेशान करते हैं यहाँ। क्या समस्याएं हैं छुट्टा पर? छुट्टा पशु कुल फसल चल लेते हैं, 10 पेड़ भिंडी लगाई दे तो 400-500 बांस खरीदे तो के रूंध। अरे सरकार तो गौशाला बनवा रही है, कह रही है हम छुट्टा पशुओं को पकड़ के गौशाला में डाल रहे हैं। अब है ही जब है रहना है वही घाम हो गया ना, 150 ठीक दिखाई छुट्टा पशु हाँ फसलों को चढ़ जा रहे हैं। हाँ इस बार चुनाव में रिंकी कोल और कीर्ति कोल हैं मैदान में, सपा से कीर्ति हैं और अपना दल एस से रिंकी हैं। क्या लगता है कौन किसके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई? हम देख माता जी गोल कही, माता जी सपा में हम सब कुछ बतल ही जाना थे। माता जी बोले तो कौन? कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल हाँ। अच्छा मतलब आप लोग कृष्णा पटेल को अपना नेता मानते हैं? अपना दल मेरावादी हाँ। तो मतलब कीर्ति कोल के साथ? हाँ कीर्ति कोल जो मुझे ही हम तो जाए पर चाहे जो जाए हारे जाए जीते। हाँ अरे अपना दल से तो अनुप्रिया पटेल भी नेता है। नहीं तो हम तो माई गोल कहने गोल अलग अलग बा ना, अलग अलग। और भी क्या मुद्दे रहेंगे, और भी क्या दिमाग में रहेगा वोट देने से पहले, क्या समस्याएं रहती हैं मूलभूत यहाँ की? एकदम बार राहुल कोल जब पहले इलेक्शन करे पहले जीते ना तब न मरे ना, बाद में जीते बाद न मरा है। पहले आए रहे देखा 1 किलोमीटर से लाइन लिया है, देखा लाइन नियोक्ता के लिए देखा दो जने ट्रांसफार्मर दे कह रहे हैं हम लगवा के, आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लग सका यहाँ, ट्रांसफार्मर नहीं लगा नहीं, आधा किलोमीटर से हम तो तार व्यक्तिगत खींच के लिए आई है। अरे सरकार तो कहती है कि हम गांव-गांव घर-घर तक बिजली पहुंचा, बिजली खम्भा तो गड़वाए थे 11,000 का खम्भा से 11,000 कौन कटिया लगे कौन कहां से बन गया ट्रांसफार्मर कैसे जले, सरकार तो खम्भा तो गड़वाए। और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव हैं, मतलब योगी तो कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम किए, तो क्या लगता है काम कागज पर होता मुँह से करत है? मुँह से काम हो रहा है मौके पर नहीं होता, जमीन के कोई काम नहीं, नहीं हो रहा नहीं। हमारे गांव से यहाँ पूरा 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सड़क बा, तिरुस चौरस बनी बा पूरा उखड़ के गड्ढा हो जुआ बा। अरे सरकार तो बोली हम गड्ढा कर दे तो गड्ढा मुक्त सड़क कर। अरे तो के देख ली मौके पर जांच के लिया जाए, कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। हमारे पचक तो नहा भाई बा गाँव वाली जो गाँव यहाँ गाँव सुहा गाँव जाए के बाद हमारे साथ और भी हैं लोग। क्या नाम है? गोपाल तिवारी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कीर्ति कोल और रिंकी कोल दोनों उम्मीदवार हैं, किसकी किसका पल झबारी? देखिए भाई हमारा तो कोई रुझान नहीं है चुनाव से। हाँ। हम लोग तो चाहते हैं चुनाव ही न हो, चुनाव ही न हो, एक बार राजा जो बन जाए वो चलता रहे। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा कहे इसलिए कि जब कुछ करना ही नहीं है तो का मतलब भाई बाप वोट दे ले से फिर हाल मजबूरी में दे पड़े ये कीर्ति कोल की दे भाई। तो क्या लग रहा है सरकार ने कौन से ऐसे काम वादे किए थे जो पूरे नहीं? अरे बहुत काम बाप कितना बताई हम मुझे किसान मन ही कुछ ही रहा था, जैसे सिंचाई गेहूँ बिना पानी सुखाई गया, हम लोगों का बीमा कटा था किसी पर लोन बा ना, लेकिन कभी सरकार ना ही भेजस कंपनी वालों कि जाइए किसानों का आप सर्वे करिए किसका कितना नुकसान हुआ पैदा हुआ कि नहीं हुआ, और बीमा काट लिया जाता है कर्जा ले है बीमा तुरंत कट जाए, तो ये सब बड़ी समस्याएँ सरकार में हैं। ये सरकार जो है हम लोगों को परेशान कर रही है किसानों को विशेषकर। अरे सरकार तो कह रही है हम किसानों के लिए तमाम योजना 2,000 रुपया देती है, हम लोग 6,000 रुपया मांग रहे हैं महीने, क्यों नहीं दे रहे हैं? 2,000 मोदी जी देते हैं 500 रुपये महीने के दर से, तो 6,000 रुपया महीना दें 72,000 रुपया हो जाएगा, किसान की आय बढ़ जाएगी। हम खाली बीज गोबर कर्जा में कहाँ जाएंगे, तब जाएंगे नहीं जाएंगे कर्जे में? अगर 72,000 रुपया हमको सरकार दे साल में तो हमारे ऊपर कर्जा नहीं रहेगा। और सांसद होते हैं विधायक होते हैं सबको नया पेंशन तहनवा पेंशन ठीक उनको मिलता है, उनके लिए पैसा है लेकिन किसानों के लिए पैसा नहीं है।
नहीं, उनके पास पैसा नहीं है। हाँ, 500 रुपया देकर को जो है बात दिखा रहे हैं कि हम देते हैं, लेकिन कोई मतलब का चीज़ नहीं है भैया। और इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, कौन है? हमका तो लगा था कीर्ति कोहले जीते भाई, हम लोग चाहते हैं जब इच्छा बात जीते हुए भाई। आप कह रहे थे बैलेट से चुनाव हो, बैलेट? हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव हो तो अच्छा चुनाव होगा। नहीं है भाई, बता रहे हैं अगले बार हम कांग्रेस को वोट दिए थे, ठीक, और हमारे बूथ से लगभग 9-10 वोट पड़ी थी, और वोट जब वहाँ खुला बक्सा तो उसमें वोटें नहीं थी। हाँ, सारी वोट जो है चाहे भाजपा पाए हो, चाहे सपा पाए हो, चाहे ये पाए हो, तो क्या कहिए बताओ। आप लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं? नहीं है भरोसा, उसमें सेटिंग होती है। अच्छा। 1 से 5 तक डालेंगे या 10 तक डालेंगे तो उसको जाएगी, उसके बाद उसको मिलता रहेगा चाहे दबल लगा रहा चाहे जेकर वहीं पर जाए। हाँ हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक काटा नहीं बा, सेटिंग होता सेट कर देना तो 1 किलो कुंतल पर 1 किलो 2 किलो जितना सेट कर दे उतना कम होता जाएगा आपका। हाँ, काटा भी सेट होता है तो भाई ब्लैक पेपर से कराए ना, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, ईवीएम की जांच वगैरह हुई तो बोले कि सब कुछ सही है एकदम। कुछ नहीं, वो सब 420 है। अच्छा। हाँ, सरकार की 420 है, सरकार खुद ही उसकी इच्छा है, सरकार न संविधान मान रही है न कानून मान रही है। संविधान क्यों नहीं मान रही? कहाँ मान रही है संविधान? अब कहेंगे, थोड़ा कहेंगे हिंदू तो मुसलमानों की बात करते हैं, क्या संविधान में लिखा है किसी की सजा हो जाए उसको गोली मार दीजिए? क्या संविधान में लिखा है? संविधान में है अतीक अहमद को गोली मारा गया। हाँ, हमें नहीं कह रहे हैं कि अपराधी नहीं था, था अपराधी, जब उसको कोर्ट ने उम्र का सजा सुना दिया, ठीक, तो उसको गोली, हाँ, गोली मारने की क्या जरूरत थी? तो कोर्ट सजा क्यों नहीं सुना कि इसको गोली? अपराधी मारे कह रहे कि अपराधी नहीं मारे, बिल्कुल नहीं अपराधी है वो। हाँ, सरकार मरवाई है, उनको फिट किया है, और एक देखिए छूट रहा है, उसकी उम्र भी 18 नहीं है, वो जाएगा उसमें बाल गृह को बोलता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके सरकार जो अपने लोग हैं जैसे का माफिया अतिक अहमद भर रहे हैं, बहुत से हैं हिंदू चाहे ब्राह्मण हो जाए ठाकुर हो जाए यादव हो, हर जाति के लोग गुंडा हैं, बदमाश हैं, भू माफिया हैं, क्यों नहीं उनको टारगेट कर रहे हैं? राजा भैया कुंडा आज से नहीं, हमसे जब जानी था कि वो कितने कितने लोगों का मंगल जियाए हैं तारा में अपने हाड़ों में मिले, तो कहीं मतलब ऐसे सब अपराधी हैं भाई, जातिवादी चुनाव हो रहा है ना, अब विकास का चुनाव नहीं सिर्फ जाति चुनाव हो रहा है। मोदी जी बोले हैं कि चुनाव 24 का हमारा, ये नहीं 24 का चुनाव सिर्फ दलित और बैकवर्ड पर होगा, अपने मुख से बोले हैं, तो बाकी लोग क्या करें तू बताओ। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि जो है भाजपा जो है वो जातिवादी? हाँ, जातिवादी। किसको ज्यादा लाभ मिल रहा है? अब लाभ तो सब ढेर मिलता है, वहाँ छोटा जो सुरक्षित बोलते हैं कोल हो, हरजन हो, धिकार हो, मतलब इनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, और जैसे हम ऊंचे जात के हैं, हम भी गरीब हैं, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। तो भी लोग हैं, यही सब समस्याएं हैं। हम बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि जो 96 की गणित है, चूँकि चाचा बोले कि जो चुनाव हो वो ईवीएम की बजाय बैलेट से कराया जाए, क्योंकि इनको भरोसा नहीं है कि ईवीएम से जो है वो सही सही वोट जो है मिलता है। चाचा, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? ठीक बा, माहौल तो बढ़िया ही बा, माहौल बढ़िया बढ़िया ही बा, तो कष्ट हम अपजन बा। कष्ट क्या है बताइए? अरे लाइन पाइन हमारे ना ही माफ होता, यही हो जाता बिजली का बिल। बिल? अच्छा, क्या सरकार कर्जा या सड़क हमार घर में जाना है, हमारा जैसे ये रोड है ना, ये छोड़ के यहीं से गई बा, इतना पानी बुरा रहता। अच्छा, आपने कभी जनप्रतिनिधियों से कहा कोई आपके यहाँ? अरे बहुत जने से कहे रहे, तो कहे है बन जाए हो बन जाए, यहीं में ले आए वो ओटिया जहाँ पड़ी तहाँ फिर के आए। हाँ। नहीं समझे बात, बहुत परेशान है हम लोग इस बार जो है। विधवा लिंकी कोर्ट विधवा हो चुकी हैं, कुछ लोग कहते थे कि एक कल बात हो रही थी परसों एक लोग से, तो कहें भैया अगर एक बार विधायक बन जाएंगी तो इनको विधायक का पेंशन मिलता रहेगा। हम यही चाहते हैं कि एक बार विधायक बन जाए, पेंशन पाती रहे, न खेत काट सकेंगी न काम कर सकेंगी, वो कहाँ से खाएंगी कहाँ से कमाएंगी, पेंशन के लिए ही विधायक बनवाया जा रहा है, तो क्या मतलब निकलता है? विकास की कोई बात थोड़ी नहीं है, विकास की कोई नहीं, विकास की कोई समस्या है, यही समस्या सबके ऊपर बा, का करा जाए? कीर्ति कोल या रिंकी कोल इस बार मजबूत है? अरे यो बतावा
क्या बताइए, आप बताइए, आप लोग तो हैं, हम लोग तो किससे वाली कीर्ति का मजबूत, तो इस बार जो है कीर्ति का हाँ, किसी का पलझा भारी है, भारी भाई आपको, आपने कहा कि सरकार ने वादा नहीं पूरा किया, क्या नहीं करे, हाँ नहीं करे, इसी से हम लोग क्या पलटी मारी गए, नहीं हुए अब पता नहीं का है भाई, चुनाव है कि इनका, हाँ राहुल का इस बार तीसरा चुनाव है, लेकिन आपके जो है वादे जो है वो पूरे नहीं हुए कुछ इस बार, मतलब आप लोगों का विचार जो है बदला हुआ है, बदला हुआ बा। इस बार मतलब लड़ाई बदल सकती है, हाँ बिल्कुल लड़ सकता है, यहाँ तक ये सरकार में भैया विधवा और वृद्धा पेंशन भी नहीं, तो हमारे साथ यहाँ पे कटाई गांव में मौजूद थे, चाय की दुकान है, चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ लोग थे जो कि चुनाव को बहुत नज़दीक से जानते हैं, कई चुनाव देख चुके हैं, कई ऐसे विधायक हुए जो इनके सामने विधायक हुए, उसके बाद वो विधायक से वो रोडपति बन गए, लेकिन इस बार जनता का मिजाज जो है थोड़ा सा बदला हुआ है, सरकार से जनता की नाराज़गी है, इस बार जो कुर्मी का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अपना दल कमेरावादी को अपना नेता मान के कीर्ति कोल के साथ जुड़ने जा रहा है। 96 की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस बार ये कहा नहीं जा सकता कि लड़ाई जो है वो एक तरफा है। मिर्जापुर से NBT ऑनलाइन के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।